जिला हमीरपुर के बस स्टैंड पर दोपहर बाद 1 बजे भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल के नुकसान व खतरों से सुरक्षा हेतु गृह सुरक्षा एवं पुलिस विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा व बचाव की जानकारी देना है। SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर कांगड़ा भूकंप 1905 की घटना की याद में और इस त्रासदी से सीख लेने के उद्देश्य से मेमोरी वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न NGO डिग्री कॉलेज के छात्र, ITI संस्थान की छात्राएं, स्थानीय स्कूल के बच्चे, नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न युग मंडलों के सदस्य वो लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेमोरी वॉक के लिए 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे उपरोक्त संस्थाओं के सभी लोग स्थानीय बचत भवन में इकट्ठे होंगे, जहां गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर बचाव की जानकारी दी जाएगी। मेमोरी वॉक DC कार्यालय परिसर से होते हुए गांधी चौक, अस्पताल चौक और वापिस स्थानीय बाल स्कूल खेल मैदान में संपन्न होगी, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा उन्हें भूकंप से पहले और बाद में जानमाल की सुरक्षा को लेकर क्या करना चाहिए इस बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में आदेशक गृह सुरक्षा सेवा मेजर SK काउंटर पारस अग्रवाल, जिला युवा समन्वयक रोहित यादव, आशाराम शर्मा, राजेंद्र चौधरी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।